गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और हम भी बढ़िया है। और आज संडे का दिन था, सुबह हम मार्केट में गए थे। एक्चुअली हम लोग को जो है आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा था, तो पनीर वगैरह हम लेके आ गए और सोचा कि रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मैं जल्दी से घर पहुँचते जो है ना लंच के प्रिपरेशन में लग गई, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो पहले जो है ना मैंने पनीर को कट कर लिया। और शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 3 प्याज, थोड़ा सा काजू और 3 टमाटर और 2 सूखी मिर्च। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से पेस्ट बनाना है, तो मैंने काजू को जो है ना थोड़ा टाइम भिगो के रख दिया ताकि अच्छे से पेस्ट बने। तो ये रहा काजू का पेस्ट, ये रहा प्याज का पेस्ट और ये रहा टोमेटो और मिर्ची का पेस्ट। और अभी मैंने इधर कढ़ाई बिठा दिया है और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी दिया है। तो सबसे पहले जो है ना पनीर को अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सा हल्का सा कलर आ रहा है। तो अभी जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसको चलिए निकाल लेते हैं। और उसी कढ़ाई में घी था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और बाकी खड़े मसाले सब ऐड किया। उसके बाद अनियन का पेस्ट और काजू का पेस्ट ऐड किया। अभी साथ में इसको जो है ना अच्छे से भून देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काजू और अनियन के पेस्ट को जो है ना अच्छे से भून लिया मैंने। साइड साइड से जो है ना घी भी निकल के आ गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया टोमेटो का पेस्ट, तो अभी इसको भी जो है ना अच्छे से भून देंगे ताकि टोमेटो जो है ना अच्छे से पक जाए। और टोमेटो को भी अच्छे से भूनने के बाद जो भी मसाले चाहिए थे वो सारे मसाले मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अभी मसाले के साथ इसको थोड़ा टाइम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम, तो फ्रेश क्रीम देने के बाद ज्यादा भूनते रहने की जरूरत नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया पनीर, तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। और मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी दिया, तो अब इसको ढक के रख देते हैं ग्रेवी सूखने तक। और 10 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो हमारा ग्रेवी बढ़िया से सूख चुका था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया और अभी हमारा शाही पनीर बनके तैयार है। और इस साइड पे अभी मैंने खाना बिठा दिया और मैं थोड़ा सा कुकुम्बर भी लेके आई थी, तो सलाद के लिए मैंने कुकुम्बर भी काट लिया। और आप लोग देख सकते हैं शाही पनीर कितना बढ़िया बना है। इसको हम पराठा रोटी खाने के साथ खा सकते हैं। और आज का हमारा लंच तैयार है, तो चलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं। तो गाइस, अभी मैं फेशियल करने वाली हूँ, वो भी घर पर ही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी कितने सारे फेस्टिवल नजदीक आ रहे हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, तो एक के बाद एक फेस्टिवल आता रहेगा। और इस फेस्टिवल के दौरान ना इतना पॉसिबल नहीं होता सबके लिए कि सैलून में जाके फेशियल करा सके, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना सैलून में काफी भीड़ रहता है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारा फेस्टिवल के दौरान चेहरा जो है ना ग्लास लाइक ग्लो करे, जैसे कोरियन पॉप स्टार के होते हैं। तो इसीलिए आज मैं यूज करूंगी ये मामाअर्थ का राइस फेशियल किट। ये फेशियल किट हमारे स्किन को ग्लास लाइक ग्लो देने में मदद करता है। इसमें है राइस और नियासिनेमाइड के गुडनेस। तो राइस तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि राइस जो है ना हमारे स्किन में ग्लो देने में मदद करता है और ये सुपर इफेक्टिव है। और नियासिनेमाइड जो है ना हमारे स्किन ब्राइटनेस में मदद करता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना टॉक्सिन फ्री है, ये हमारे स्किन को क्लींस करता है, एक्सफोलिएट करता है और हमारे स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज रखता है, जिससे हमारा स्किन जो है ना यंग एंड ग्लोइंग दिखता है, वो भी घर बैठे ही। तो इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा जी है, बस 6 स्टेप्स है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे यूज करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है क्लींजिंग मिल्क, तो इसे हमें हमारे फेस में और नेक में अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद कॉटन पैड से हमें इसे पोंछ लेना है, उसके बाद हम इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे। और दूसरा प्रोडक्ट है फेस स्क्रब, तो इसे हमें हमारे फेस में अच्छे से मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद हम इसे धो देंगे। और तीसरा प्रोडक्ट है सूदिंग जेल, तो इसे हमें 2 से 3 मिनट अपने फेस में अच्छे से मसाज करना है ताकि ये हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और चौथा प्रोडक्ट है मसाज क्रीम, इसे हमें 5 से 10 मिनट तक हमारे फेस में अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, उसके बाद हम इसको धो सकते हैं। और पांचवा प्रोडक्ट है फेस मास्क, तो इसे हमें हमारे फेस में एक लेयर बना के अच्छे से 15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद धो देना है। और राइस फेशियल किट का लास्ट प्रोडक्ट है ग्लो क्रीम, तो इसे हमारे ऑल ओवर फेस में और नेक में अच्छे से जेंटली मसाज करते हुए अप्लाई करना है। और आप लोग इसको अप्लाई करते देख सकते हैं कि चेहरे में बहुत ही बढ़िया ग्लो आ जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है ना वन टाइम यूज पैक है, इसीलिए ये हाइजीनिक एंड कन्वीनियंट है। और हाँ, मेरे पास ना मामाअर्थ का और एक फेशियल किट है, जो कि है उपतन फेशियल किट, जो कि शादी वाला ग्लो देता है। और हाँ, मामाअर्थ जो है ना प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव लेता है। जब भी हम मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारे ऑर्डर के लिंक को वो लोग प्लांट से जोड़ते हैं, जो वो लोग खुद लगाते हैं। मतलब वो लोग एम लेके चल रहे कि 2025 तक वो लोग 1 मिलियन ट्री लगा सके। और मामाअर्थ जो है ना प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकल करते हैं। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आप लोग को एमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका और पर्पल में मिल जाएंगे, साथ में आजकल ऑफलाइन में भी मिलने लग गया है। तो अगर आप लोगों को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ में मेरा कूपन कोड क्षेत्री 2023 यूज कर सकते हैं, आप लोगों को एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो गाइस अभी शाम का टाइम था, लंच वगैरह करने के बाद ना मेरा कुछ काम था वो सब खत्म करने के बाद अभी इवनिंग हो गया, तो सोचा कि रियान को थोड़ा घुमा के लेके आए। एक्चुअली अभी आप लोग को पता है कि फेस्टिवल का टाइम शुरू हो गया है, हमारे घर के नज़दीक जो है ना मोहल्ला पूजा होता है तो उसी के नाम पे 4 दिन मेला लगता है। सोचा कि संडे का भी दिन है, थोड़ा रियान को भी घुमा के लेके आए, वैसे भी साल में एक ही बार आता है। और रियान को रेडी कराने के बाद ना वो मुझे रेडी करके दे रहा है, एक्चुअली मेरा बाल कॉम कर रहा है सुलझाने की वजह से और ज़्यादा बाल उलझा के दे रहा है, लेकिन मैं कभी कभी कॉम करने देती हूँ। और अभी वो अपने दादी को बाय बोल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली माँ को नहीं जाना था, उन्होंने बोला कि रियान को तुम लोग घुमा के लेके आओ। और हम लोग पहुँच गए थे जो जगह पे मेला हो रहा है ना उसे बोरो बाजार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपो में गए, यहाँ पे एक्सपो लगा हुआ था और देखिए मेला में घुसते रियान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। एक्चुअली सारे बच्चे एक्साइटेड होते, मैं भी होती थी जब मैं छोटी थी, पापा लेके जाया करते थे मेले में। तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ट्रेन सफारी दिखाई दिया तो वहाँ पे उसको चढ़ना था, वैसे वो डर रहा था, अकेला था ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, हम यहाँ से देख रहे। तो डरा हुआ से चढ़ गया, एक्साइटेड भी था उस चीज के लिए, आप लोग देख सकते हैं उसका मुंह, वो खुशी तो है लेकिन थोड़ा डरा हुआ सा है। और रियान ट्रेन से उतर गया था, उसने बोला कि उसको मजा आया, और उसके बाद ये चीज देख रहा था वो, तो मैंने पूछा था कि उसे यहाँ पे चढ़ना है क्या, फिर उसने मना कर दिया उसको डर लग रहा है बोल के। उसके बाद हम थोड़ा एक्सपो की तरफ घूमने गए और एक चीज दिखाई दिया मुझे जो कि है फैन जो हाथ से चलता है, बहुत ही बढ़िया चीज था। मेरे पास भी एक मिनी फैन है लेकिन वो जो है ना चार्ट से चलता है। और रियान को दिखाई दिया ये स्पाइडरमैन वाला कार, तो उसको ये चाहिए था, उसको काफी पसंद आया और देखिए आप लोग कितना एक्साइटेड है। और थोड़ा हमने मेले को एक्सप्लोर किया और ऊपर आप लोग देख सकते हैं रंग बिरंगी चाइनीज फैन कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैं क्लचेस ढूंढ रही थी और रियान मुझे मदद कर रहा था क्लचेस ढूंढने में। और मैंने यहाँ पे दुपट्टा भी देखा था जो कि 100 रुपए का ही था, मैंने काफी ढूंढा लेकिन एक भी कलर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। और मेला मतलब तो खाना पीना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्टी शिफ्टा जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पे बन रहा था टेकली पीठा, तो हमने जो है ना काफी हैवी लंच किया था इसलिए कुछ भी खाने का मन तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सोचा कि कॉफी पी लेते हैं, कॉफी के लिए तो जगह रह ही जाता है। और रात के टाइम पे यहाँ पे बोडो फिल्म दिखाने वाले थे जो कि ये वाला फिल्म है, नज़दीक के लोग आके देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लिया और कैंडी फ्लो भी लिया, हर मेले में जो है ना बचपन से रियान ये कैंडी फ्लो खरीदता है मतलब, तो अब इसको खरीदते हैं। देखते देखते अंधेरा भी हो गया तो अभी जो है ना हम चलते हैं। एक्चुअली रियान को जो है ना अपने भाई से मिलना था, तो दीदी जो है ना उसी जगह पे रहते हैं, तो सोचा कि दीदी के घर में थोड़ा होके आए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों भाई मिल गए, वो लोग भी एक्चुअली मेले में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, थोड़ा टाइम रुक के हम भी घर वापस आ जाएंगे। उसने अपना गाड़ी दिखाया, जो भी उसने खरीदा था वो मिल बांट के खाया, थोड़ा टाइम खेल के अभी हम निकलते हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ।